क्या सब लोग GoPro को अबैंडन कर रहे हैं? मैं तो क्या, पर क्यों? सब रीजंस इसमें बताऊंगा। और हमने लिया है Insta360 ONE X2। तो ये पूरा वीडियो रहेगा Insta360 ONE X2 के बारे में, बॉक्स में क्या क्या है, ये मैंने ऑलरेडी लिया है, तो पूरा डिटेल्ड रिव्यू देने के लिए मैं अभी शुरू कर रहा हूँ Insta360 ONE X2 एंड व्हाई डिड आई अबैंडन माय GoPro। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज योर गाय वीआर एंड यू वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑलरेडी व्लॉग्स। लेट्स गो। तो पहले रीज़न, वाई डिड आई अबैंडन माई GoPro, मतलब मैं मेरा GoPro को क्यों बेच दिया। तो बड़ी सी रीज़न है GoPro। हाँ, मैं मानता हूँ GoPro इज़ दी बेस्ट इन दी एक्शन कैमरा सीरीज जो पहले लॉन्च हुआ है, और तब से लेके आज अब तक GoPro सेशन हीरो 4 से अब हीरो 11 तक, तो ये सब के बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स किए हैं इन लोगों ने। पर ऑलवेज देर इज़ सम इनकन्सिस्टेंसी इन देयर, मतलब हाउ टू टेल यू, रिलायबिलिटी नहीं है GoPro में, रिलायबिलिटी नहीं है, यू कैंट रिले ऑन GoPro। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेन एवर यू ट्राई टू टर्न ऑन द कैमरा यू हिट दी रिकॉर्ड बटन, बट आपको कभी भी पता नहीं है, यू विल नेवर नो कि कब शट डाउन हो जाएगा कैमरा। कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, कभी कभी SD कार्ड एरर्स दे देते हैं, कभी कभी टी आवाज़ निकाल के बंद हो जाते हैं। तो GoPro में ऑलवेज वो इशू था और रहेगा, अब 11 तक भी वो सब इशूज़ था। और जब भी हम 4K पे रिकॉर्ड करते हैं और 4K विथ हायर रेजोल्यूशन, तब बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो मैंने GoPro 7 यूज़ किया था और Hero 9 यूज़ किया था, अभी दोनों मेरे पास नहीं है, मैंने उन दोनों को भेज दिया एंड आई बॉट दी Insta360 ONE X2। सो ये रीज़न था मेरा GoPro के ऊपर रिले नहीं करने कर रहा था, और जब से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 month से, मैं अभी 2 trip कर चुका हूँ उसके ऊपर, 360 degrees में नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग गया है, लिटरली जीरो इशूज़। तो अभी सुन लिया आपने रीज़न GoPro भेजने के लिए। और तुमको पता है, जब मैंने GoPro को भेजने के लिए ऐड डाला, तब से लेके मुझे बहुत मौत आ गया, मतलब nobody likes to buy it very easily, it took at least 1 month for me to sell Hero 9। तो फाइनली मैंने भेज दिया। तो चलो अभी हम ये सब बकवास बंद करेंगे और हम बात करेंगे Insta360 ONE X2 के बारे में। अभी X3 लॉन्च हो चुका है, तो इसीलिए मैंने 2 खरीदा हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी iPhone 13 लॉन्च होता है मैं 12 खरीदता हूँ, जब भी X3 का लॉन्च होता है तो X2 खरीदता हूँ, जब Hero 10 लॉन्च हुआ तो Hero 9 लिया था। तो सब ऐसे क्योंकि देर विल बी अ प्राइस डिफरेंस, चला को ना बात। हाँ, और मैंने ये लिया है दुबई से, फोकस। हाँ, वो देखो मुझे कितना पड़ा है, 1947 dirhams। सो अभी 1947 dirhams मतलब कितना है इंडियन रुपीज़ में, देखते हैं, 43,300 रुपीज़ दुबई में। तो मैं कभी दुबई नहीं गया था, तो मैं मेरा दोस्त से भी नहीं भी जाया, ये मैंने लिया है मेरा अंकल से। तो अभी हम बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे Insta360 ONE X2। चलिए देखते हैं, ये है Insta360 ONE X2 का बॉक्स, और मैंने Insta360 के साथ मैंने खरीदा है माइक अडाप्टर, एक्सटर्नल माइक अडाप्टर मेरा हेलमेट के लिए, तो मोटर व्लॉगिंग करने के लिए। सो आज मैं ये सब दिखा दूंगा मेरा इस व्लॉग में। तो बॉक्स ओपन करूँगा, तो ऑलरेडी मैंने ओपन कर लिया, बस इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। और बॉक्स ओपन करते ही हमको मिलेगा Insta360 ONE X2 कैमरा विथ पाउच, उसके बाद ये है बैटरी कंपोनेंट, ओके। उसके बाद हमको मिलता है ये वायर, Insta360 का एक वायर दे देते हैं। उसके साथ मैंने खरीदा है एक्सटर्नल माइक फॉर Insta360। तो मैं इंटरनल माइक से और एक्सटर्नल माइक से दोनों से ऑडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम कैमरा को निकालते हैं, ये मैं बहुत बार खुल चुका हूँ फिर भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये देखो कैमरा ONE X2, ये है फ्रंट डिस्प्ले, और इसको 4 माइक आते हैं, सामने पीछे ऊपर नीचे, सामने पीछे ऊपर नीचे, वाह। और इसको अभी हम बैटरी इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें ऑलरेडी SD कार्ड मैंने लगाया है 64 GB का सैंडिस्क, दैट्स अ गुड SD कार्ड, आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज़। तो चलो लगाते हैं।
इतना बड़ा बैटरी दे दिया है. लेट्स टर्न इट ऑन. ये देखो 360 डिग्रीज. ये दबाने से कैमरा खुद को देख रहा है. सो इसमें फीचर्स बताऊंगा अभी मैं थोड़ा. तो अभी ये 360 डिग्री मोड में है. सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 डिग्री दिख रहा है ना, दिस विल स्विच टू 16:9 रेशियो. सो इससे आप YouTube वीडियोस भी बना सकते हो विदाउट एडिटिंग. डायरेक्ट यू कैन रिकॉर्ड इट एंड एक्सपोर्ट इट एंड डायरेक्टली अपलोड विथ एक्सटर्नल माइक. ओके सो GoPro में ना ऐसा चीज़ है, यू कैन ओनली सी द यूट्यूब एंगल राइट, पर इसमें यू कैन डू बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों कर सकते हो. इस सब के सब अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा मोटो व्लॉग करते हुए. सो ये एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा. और इसमें रिकॉर्डिंग है 5.7K एट 30 फ्रेम्स. वुड यू बिलीव इट. एंड कभी हैंग नहीं होता, कभी लैग नहीं होता, कभी हीट तो होता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत हो जाता है हीट, पर कितना स्लीक है देखो, स्लिम एंड स्लीक है. और अभी मैं दिखाऊंगा इसका एक्सटर्नल माइक. एक्चुअली नहीं, ये मेरा दूसरा है, मैंने खो दिया है इसको. इतना छोटा अडाप्टर है ना, GoPro का इतना बड़ा अडाप्टर रहता है, पर इसका इतना छोटा अडाप्टर है. ये देखो ये है Insta360 X2 का और X3 का माइक अडाप्टर. इतनी छोटी है देखो भाई. इसमें यहाँ पे 3.5 mm जैक है, तो इसके अंदर माइक घुसाना है और ये Insta360 में घुसाना है सी टाइप का. कुछ भी नहीं करना है, बस ये डोर है ना, उठाओ खींचो आ जाएगा. ये निकाल देना चाहिए और ये जाएगा इसके अंदर. दैट्स इट. मैं अभी इसका कुछ फीचर्स बताऊंगा. सो ये रिकॉर्ड कर सकता है 5.7K में, 0.7K 360 कैप्चर एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड. फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन, मतलब फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन और स्टडी कैम मोड मतलब सिमिलर है. उसके बाद ये कैमरा इनविजिबल है. ये सब 360 रिकॉर्ड करते हैं ना पर कहीं भी देखो आपको कैमरा या कैमरा के नीचे माउंट या स्टिक कुछ भी नहीं दिखेगा. मतलब इट्स जस्ट द 360 कैमरा, ग्लोब जैसा दिखेगा. और एक चीज़ है, ये वाटर प्रूफ भी है. ये डोर लगा दो और पानी के अंदर डुबा दो 10 meters तक, इट इज़ वाटर प्रूफ, नथिंग विल हैपन टू द कैमरा. और इसमें एडिटिंग का इतनी फीचर्स है ना जबरदस्त. Insta360 का एक ऐप डाल दो. ये ऐप है Insta360 1X2 का. ये ऐप एक इंस्टॉल कर दो बस, कुछ नहीं. देखो इमीडिएटली ज्वाइन भी दिखा दिया. तो अभी इसका AI एडिटिंग भी बहुत बढ़िया है. बहुत सारे फीचर्स दे चुका है कैमरा के अंदर. जैसे कि मैंने बताया इसमें 4 माइक दे चुका है, ऊपर नीचे आगे नीचे, ऊपर पीछे आगे नीचे. हाँ देखो कितने ब्राइट दिख रहा है. बहुत धूप है अभी, मैं पूरा डोर खोल चुका हूँ, फिर भी कितनी ब्राइट जैसा दिख रहा है. देखो डिस्प्ले बहुत ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है. और शायद अभी ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस फुल था. सो ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस पे है. और इसमें और एक चीज़ भी है, हाइपरलैप्स. ये हाइपरलैप्स भी शूट कर सकती है. और इसमें वॉइस कंट्रोल भी है, वॉइस रिकॉग्निशन कर सकती है. मतलब हे सिरी टर्न ऑन, हे सिरी रिकॉर्ड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मतलब मेरा फ़ोन रिएक्ट हुआ. तो ये सिरी नहीं, इसका अलग सा कंट्रोल्स है. तो वो सब ये कैमरा सुनता है और कैप्चर भी करता है. तो कितनी कूल है ना Insta360 1X2. चलो अभी हम थोड़ा बहुत बात कर लिया है, अभी हम जाके इसको टेस्ट करेंगे. टेस्ट, एक्चुअल मोटो व्लॉगिंग टेस्ट विथ माई हेलमेट. लेट्स गो. तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Insta360 1X2 से डायरेक्ट फ्रॉम द कैमरा. अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको इनविजिबल स्टिक के साथ. तो नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्टिक कुछ भी नहीं दिख रहा है. अभी मैं स्टिक एक्सटेंड करूँगा.
कैसे लगा, ये रहता है, ऐसा रहता है पूरा एंसर 360 का व्यू, 360 डिग्री का व्यू में, और ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इंटरनल माइक से ही, और आपको व्यू कैसा दिख रहा है मुझे बताओ। मेरा हाथ में कुछ स्टिक भी नहीं दिखेगा आप लोगों को, ऐसा पकड़ूंगा तो सिर्फ मैं दिखूँगा, और ऑडियो भी बहुत अच्छे से ही कैप्चर हो जाता है क्योंकि इसको चार इंटरनल माइक्स है। अभी देखो मैं एक वॉकिंग शॉट लेता हूँ, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मेरा हाथ में स्टिक है। देखा, हाउ वाज इट? सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंस्टा 360, हर जगह कैप्चर कर लेती है। आपने देख चुका है मेरा बिल्डिंग के ऊपर इंस्टा 360 का 360 डिग्री का व्यू, और कैसा दिखता है मुझे बता दो। अभी हम करेंगे थोड़ा मोटर व्लॉगिंग, अभी हम जाएंगे बाहर। हेलमेट को मैंने माउंट किया है कैमरा, वो भी दिखाऊंगा कैसा माउंट किया हूँ। तो ये देखो कैमरा के यहाँ पे जे माउंट आता है, या जे माउंट के ऊपर मैंने सिर्फ ये एक कैमरा लगा दिया, और उसके बगल में अडैप्टर, और अडैप्टर के अंदर आता है 3.5 mm जैक, और माइक अंदर की तरफ है। तो ये है मेरा सेटअप, तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी कैसा दिखता है इंस्टा 360 ऑन हेलमेट। तो अभी हम दिखाएंगे थोड़ा शॉट्स। तो ये शुरू हो गया इंस्टा 360 का मोटो व्लॉगिंग। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा काम पे, और ये देखो मैं बस सीधा देख रहा हूँ, बस सीधा, और मैं किसी तरफ भी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो पूरा जैम है, एक्चुअली सामने ना रोड का थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं आई डोंट नो किस हाउ टू गो। तो देखो कितने लोग नोटिस कर रहे हैं मुझे, सब के सब मैं दिखा सकता हूँ इसमें विदाउट टिल्टिंग माय हेड। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंस्टा 360। इस वीडियो को आप YouTube एंगल में भी एडिट कर सकते हो और Insta एंगल में भी एडिट कर सकते हो विदाउट एनी efforts, effortlessly, seamlessly यू कैन डू दैट। और ऑडियो का क्लैरिटी बताओ मुझे कैसा है, मोटो व्लॉगर्स हाउ इज़ ऑडियो क्लैरिटी? मैं अभी एक्सटर्नल माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस को, और मुझे कॉल आने लगा है, हैव टू कनेक्ट माई इंटरकॉम। ओके नहीं समझ आ गया। तो अभी अब तक आपने देखा है 360 डिग्री का प्रीव्यू, और अभी आप देख रहे हैं जस्ट 150 डिग्री का, जस्ट YouTube एंगल। और इसमें और एक खास बात यह है कि 150 डिग्री में ऐसा वर्टिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हो और ऐसा हॉरिजेंटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब दोनों Instagram एंड YouTube दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर आप लोगों को एक छोटा डाउट आ सकता है माइंड में अभी, तो कैसे भी 360 डिग्री में रिकॉर्ड हो रहा है भैया, अभी आपको YouTube एंगल सेपरेट और Instagram एंगल सेपरेट क्यों? तो द 360 डिग्री का व्यू जो है ना, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो मेरा 64 GB का मेमोरी कार्ड है, तो वो पूरे के पूरे अगर कंज्यूम करना है तो 1 hour का रिकॉर्डिंग टाइम है, ठीक है। अगर आप 150 डिग्री का व्यू में कवर करेंगे तो इट इज़ गेटिंग अ रिकॉर्डिंग टाइम अप टू 3 hours। तो देखिए बैटरी का भी 3 hours ईजिली चलेगा ये इंस्टा 360 का बैटरी, और आपका रिकॉर्डिंग टाइम भी 3 hours बढ़ रहा है। तो दैट इज़ वन बिगेस्ट एडवांटेज विच आई फेल्ट इन इंस्टा 360 1X2। ओके सो आप अभी बताइए एंगल कैसा है? मेरा कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ है, फिर भी मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरा व्यू कवर हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज अब तक मैंने बहुत टेस्ट किया है उसको, बहुत इस्तेमाल कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कैसे लग रहा है दोनों एंगल्स, और इसका आफ्टर एडिटिंग्स का भी टिप्स ट्रिप्स बताऊंगा मैं। अभी ये देखो ये रॉ फुटेज है, ठीक है। अभी देखो, देखा पूरा कलर ग्रेड हो गया ना सीन पूरा, तो ऐसा भी कर सकते हो। ये सब आफ्टर इफेक्ट्स एडिटिंग है, इंस्टा 360 का ऐप है और सॉफ्टवेयर भी है, पर ऐप का एक छोटे सी कॉन ये है कि बस 720p में एक्सपोर्ट होगा। ओके इफ़ यू वॉन्ट एक्सपोर्ट द 4K आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टा 360 खरीदने के बाद आपको एक QR कोड आएगा, वो QR कोड से आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इज़ फ्री फॉर इंस्टा 360 यूज़र्स, नॉन इंस्टा 360 यूज़र के लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा भाई। तो ये सब है, और बाकी सब जो भी बात कर रहे हैं हम घर जाने के बाद बात करेंगे। टाटा बाय बाय, मोटो व्लॉगिंग एंड हियर। आपने देख लिया ना इंस्टा 360 1X2 का नॉर्मल 360 का व्यू,
और शॉर्ट्स एंड मोटो व्लॉगिंग, तो दोनों आपने देख लिया मोटो व्लॉगिंग कैसा है और वो 150 डिग्री का यूट्यूब एंगल कैसा है और 360 व्यू कैसा है, कितना रिएक्शंस, तो आपने सब देख लिया। तो ये सब इतनी छोटी कैमरा करते हैं, 40,000 रुपीज़ का कैमरा में सब कर सकते हैं हम, तो दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ बाइंग। और GoPro Hero 9 से अपग्रेड 1000%, इतना शॉर्ट्स ले सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, हर किसी एंगल में तो कैप्चर कर सकते हैं। आई एम इन लव विद Insta360 ONE X, तो अभी नया लॉन्च हुआ Insta360 ONE X3, बट प्राइस के हिसाब से मुझे ये बहुत पसंद आया। आपको और कुछ डाउट्स है इस कैमरा के ऊपर तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व करूँगा, इमीडिएट रिप्लाई दूंगा। तो और आपको कौन सी वीडियोज़ देखना है मेरे चैनल में और क्या क्या देखना है मुझे बता दो पहले। और मैं अभी केरला के ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसी कैमरे से सब कैप्चर करूँगा, तो आपको वो सब दिखना है तो देख सकते हैं। मेरा विश्रम SX250 का गाड़ी है, आपने जैसा देखा है। तो बस इतना ही इस व्लॉग में, और कुछ नहीं है। तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक करो वीडियो को, कमेंट्स करना डेफिनेटली, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी अभी मेरा चैनल बढ़ रहा है सब्सक्राइबर्स और सब कुछ, तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, विश्रम रेडी व्लॉग्स, बाय बाय। It's caught in the crossfire.